आप रैला देख रहे हैं, ये रैली नहीं रैला है और बाबा साहब का मेला है। इस तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं और बहुत तादाद के अंदर यहाँ आए हैं और बाबा साहब की जयंती 127वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। योगेश जी आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली मंडावली से आया हूँ। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बाबा साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं और हम मैं पूरे देश के सभी लोगों को बाबा साहब के 127वें जन्मदिन की बधाई देता हूँ। तो सर आप ये बधाई क्यों देते हैं? बाबा साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आप उनका जन्मदिन को मना रहे हैं? बाबा साहब ने तो जो काम कर दिया, अगर मैं शब्दों में कहने जाऊँगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा दलित समाज जानता है कि दलित समाज जो दलित शब्द बोलते हैं इसका पहले भी खंडन हो चुका है और आज भी खंडन है, दलित शब्द को हटा दिया गया है। नहीं, खंडन ये जो सरकार जो कर रही है ये तो दुनिया जानती है कि ये किस तरीके से कर रही है। पूरी न्याय व्यवस्था को उखाड़ करके रख दिया, इनके ही लोग सारे बैठे हुए हैं, जो भी फैसला आता है इनकी मर्जी से आ रहा है, ये कुछ भी कहेंगे हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा, हम इसके लिए फाइट करेंगे। तो बाबा साहब ने क्या काम करे, एक दो काम बताएं। बाबा साहब ने जो काम किया वो तो जग जाहिर है, बाबा साहब की ही देन है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमारे को कौन पूछता था, हम दबे कुचले थे, हमें कोई गिनता भी नहीं था, हम गिनती में ही नहीं थे। बाबा साहब की देन है कि आज हम समाज में अपनी पहचान बना के खड़े हैं। बहुत अच्छी बात बताया योगी जी ने कि आज जो बाबा साहब की ही देन है जो आज हम यहाँ खड़े हैं। साथियों आज बाबा साहब की 127वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, भारत ही नहीं विदेश के अंदर भी आज बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है और बाबा साहब को कहा जाता है नॉलेज ऑफ चंबल। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है आप देख रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के अंदर माहिर प्राप्त किया और एक नहीं दो ने तीन तीन सब्जेक्ट में आपने एमए किया है और पीएचडी की है। आपका नाम है रमेश भंगी। मैं नहीं ले रहा हूँ नाम, अगर आप मेरे पे कोई इस तरीके क्वेश्चन करें तो ये खुद का आपका अपना नाम है और आप वो खुद बताएंगे कि एक जाति स्तर पर नाम लेना एक नुकसानदायक है, लेकिन आज रमेश जी कहते हैं भाई मैं अपने नाम के पीछे में ही लगाता हूँ। रमेश जी आज बड़े धूमधाम से ये आज जयंती मनाई जा रही है, तो आपका क्या मानना है? जी मेरा नाम रमेश भंगी है जी, और मैं खुद अपना नाम रमेश भंगी लिखता हूँ, चूँकि जाति ही भारत की सच्चाई है, इससे कोई मोड़ नहीं सकता, इसके छुपाने से हम छुपा नहीं सकते, हर कोई जानता है, इसलिए मैंने अपना नाम, चूँकि भारत की जाति ही सच्चाई है, इसलिए मैंने अपना नाम ही रमेश भंगी रख लिया है जी। और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, डे बाई डे मैं कई हमेशा से यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही उत्साह है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उत्साह होने का क्या कारण है अभी आपने? उत्साह होने का ये कारण है कि पिछले दिनों जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उनके विरोध स्वरूप भी हम लोग अपना एक दिखाना चाहते हैं, हम लोग एक हैं और ये है कि हम अपना दिखाना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक लोग रहने वाले हैं और हम इकट्ठा होकर अपनी बात रख सकते हैं। सर ये आपने 2 तारीख को दिखा दिया, 2 अप्रैल को दिखा दिया कि हम सब लोग एक हैं, अलग अलग नहीं है जी। हमें आप अलग अलग करोगे भी तो हम अलग अलग नहीं होंगे जी, बिल्कुल हम अलग 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 हैं ही नहीं जी। ये हम तो न कभी अलग अलग थे न कभी अलग होने वाले हैं, ये तो बाहर से आके हमें थोपा जाता है कि भाई आप अलग हैं, ये हमें बाहर से थोपा जाता है, लेकिन अब हम लोग समझते जा रहे हैं, पहले नहीं समझ पा रहे थे बीच में। रमेश भंगी जी बाबा साहब के बारे में वो लास्ट के क्षण आप बताएं। लास्ट के क्षण बाबा साहब की, लास्ट के क्षण कविता के माध्यम से? कविता के माध्यम से सर फिलहाल तो कविता नहीं बन पा रही है। आपकी जो भी बाबा साहब से संबंधित कविता सर? देखिए कविताएं तो बहुत लिखी है, मुझे याद नहीं रहती, मेरे पास किताब भी नहीं है और कुछ याद नहीं है। बाबा साहब के बारे में कहे कि मैं जो आज हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ, यहाँ इस सड़क पे भी जो मैं ये कपड़े पहने हुए हैं वो बाबा साहब की वजह से, जो मेरा मोबाइल है वो बाबा साहब की वजह से है, जो कुछ भी हूँ बाबा साहब की वजह से। आपने इतनी एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद क्या करें? क्या एजुकेशन जो आपने ली बाबा साहब की वजह से जी, आपने थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे।
अब बाबा साहब की वजह से मैंने छठी क्लास में बाबा साहब की एक छोटी सी किताब पढ़ी थी चित्रकथा की तरह से। उसके बाद मैंने जो क्वालिफिकेशन लेता चला गया, हर वक्त बाबा साहब मेरे दिमाग में रहे कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। अभी मेरा एम ए हिंदी है, एम ए सोशोलॉजी है, एम ए एजुकेशन है, एम ए हिस्ट्री है और एम ए इन डिस्टेंस एजुकेशन है से, और LLM भी है। LLM भी है? जी हाँ, LLM 2010 में मैंने LLM किया बाबा साहब। अभी मैं कुछ एक दो तीन साल से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मुझे लगता है कि जैसे मैंने कोई एजुकेशन नहीं ली है। बाबा साहब ही मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं पहले कागज बीनता था दिल्ली में, पहले दिहाड़ी मजदूरी करते, भट्टे में मजदूरी करते थे पिताजी के साथ में, पढ़ाई भी करते थे। उसके बाद जो है दिल्ली में आके कालकाजी में कागज बीनते रहे 5 साल तक, 1978 से 1900 जी माना जाए जी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ढाले जी। बिल्कुल आप ढाल रहे इतना, बिल्कुल। जो मैं कॉन्फिडेंस है वो एजुकेशन की वजह से आया, बाबा साहब की वजह से आया है, उन्हीं की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ। मैं हूँ जो हूँ, मैं जो हूँ वो बाबा साहब की वजह से हूँ। धन्यवाद।